हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारी जो है फिजिकल फंक्शन टेस्ट चल रही थी और आज हम जो अपनी यूनिट सेकंड का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम बहुत जल्दी अपनी यूनिट थर्ड भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारे जो कुछ लास्ट के टॉपिक्स है वो हमारे यहाँ बचे हुए आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा मेन जो हेडिंग है वो हमारी है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसके बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे। देन हमारे इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो हमारे होंगे इसके पार्ट्स है कुछ, प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। देन हम अपने एक हैकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन हम स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। देन हमारा इलास्टिक मॉड्यूलस। तो ये हमारे टोटल यहाँ पर 5 टॉपिक होने वाले। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं और इससे प्रीवियस वीडियोस हम बहुत सारी कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा मतलब सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट है। सिलेबस तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो वो सारी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। एक बार आप डिस्क्रिप्शन विजिट करना, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए तो यहाँ पर हम समझते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्लो क्या होता है तो सिंपल बात है, आप कहेंगे बहना, इस तरह जो चीज़ हमारी बहती रहती है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ये फ्लो हमारा होता किस किस में, तब भी आप इसका आंसर दे देंगे। क्या देंगे आप कहेंगे, एक हमारा ये गैस बहती है और एक हमारा ये लिक्विड बहता है, ये आप सिंपल बता देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सॉलिड को बहना है, मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग सॉलिड को भी फ्लो कराओ, तो आप कैसे कराओगे? ये कंडीशन आप लोग के लिए एक मतलब पजल की तरह, आप कैसे सॉल्व कराओगे? तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर जो हमारी चीज़ आती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिफॉर्मेशन। अब इसको कुछ इस तरह समझते हैं। मैं कहूँ यहाँ पर ये हमारा लिक्विड या गैस फ्लो हो रहा है, तो आप कैसे मानोगे ये फ्लो हो रहा है, मतलब क्या इसकी पहचान क्या है? अगर आप कह रहे हो कि ये हमारा सिंपल इधर से, जैसे ये हमारा फ्लो यहाँ से यहाँ मूव करके चला गया, तो ये तो हम सॉलिड में भी कर सकते हैं। मान लो ये हमारा कोई सॉलिड का बॉक्स है, इसको हमने यहाँ से पीछे फोर्स किया, ये स्लाइड करते करते यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो क्या ये हमारा फ्लो कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये तो एक तरह से मूवमेंट हो गई, यहाँ से यहाँ मूव कर गया। तो फ्लो हमारा क्या है एक्चुअल में, कि जो हमारा एक्चुअल में चीज़ है, यानी कि लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, उसके जो खुद के पार्ट्स हैं, उसके अंदर के जो इंटरमोलिकुलर पार्ट्स हैं जिससे ये मिलके बना होता है, वो वाला पार्ट्स अगर मूव कर रहे हैं, वो वाली अंदर की चीज़ें अगर मूव कर रही हैं, तो वो चीज़ हमारी फ्लो एक्चुअल में कहला रही है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर गैस और लिक्विड की बात करें, तो गैस तो आपको पता है बिल्कुल, मतलब ऐसे पार्टिकल जितनी जगह मिलेगी उतना वो अपने एक दूसरे को फैलते जाते हैं, पूरे रूम में फैल जाते हैं, तो वो फ्लो करती है। लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे भी ये वाला जो फ्लूड है वो लेयर वाइज बह रहा है। जैसे मान लो अगर हम इतना हिस्सा पकड़ रहे हैं फ्लूड का, ये वाला हिस्सा, तो पहले ये वाली लेयर चल रही है, इसको ये वाली अपोज करके ये चल रही है, इसको अपोज करके ये चल रही है, तो हमारा कुछ इस तरह ये भी बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सॉलिड को बहाना चाहें, सॉलिड के अगर हम फ्लो कराना चाहें, तो हम किस तरह कर सकते हैं? अगर हम इसका जो पार्ट है ये वाला, इसको अगर हम यहाँ से मूव करा दें, मतलब हम कह सकते हैं कि मान लो ये है, तो हम यहाँ पे ऊपर फोर्स लगाएं और हमारा ये पूरा मूव ना करके इसके ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा मूवमेंट कर जाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो ये हमारा एक बॉक्स था और ये हमारा कुछ इस तरह मूव कर गया, इस तरह। तो आप देखो, पहले हमारा ये इस तरह था यहाँ पर, अब ये इधर इधर इतना मूव कर गया इतना, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या एक तरह से फ्लो है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिड है वो अंदर से हमारा क्या कर गया, फ्लो कर गया। और यहाँ पर अगर हम एक चीज़ नोटिस करें हम यहाँ पर, तो हमारा जो सॉलिड था वो कुछ इस तरह का था, अब यहाँ पर जब ये फ्लो करा, थोड़ा सा हमने ज़्यादा ऊपर से फोर्स लगाया इस पर, थोड़ा सा दबाव लगाया, ये हमारा फ्लो किया, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया, शेप में चेंज हो गया। अब शेप में चेंज का अगर हम एक तरह से बोलें, तो सॉलिड हमारा क्या एक तरह से फॉर्मेशन जो कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिफॉर्मेशन हो गई। डिफॉर्मेशन मतलब जैसा वो पहले था उससे उसमें कुछ ना कुछ क्या आ गया, चेंज आ गया। अब यहाँ पर उसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गई। हो सकता है किसी किसी केस में किसी की लेंथ कम हो जाए, किसी की लेंथ बढ़ जाए, किसी का एरिया कम हो जाए, किसी का एरिया बढ़ जाए। जैसे एग्जाम्पल के समझो कि एक हमारा ये कोई मतलब वुडन बॉक्स, कुछ भी बॉक्स है एक सॉलिड का, हमने ऊपर से कंप्रेस किया बहुत तेज, मतलब कंप्रेस किया, तो हो सकता है इसकी जो हाइट, मान लो यहाँ अभी ये 4 सेंटीमीटर का था, अब ये क्या हो गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का हो गया, तो क्या हो गया, इसकी एक हाइट कम हो गई, और ये चीज़ भी हमारी क्या कहलाती है, डिफॉर्मेशन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया भाई, 4 सेंटीमीटर का कोई चीज़ हमारी 3 सेंटीमीटर की हो गई। तो ये सब सारे टर्म्स होते हैं, ये हमारे एक्चुअल में कहलाते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, और इसी चीज़ को यहाँ पर जो हम फ्लो बोल देते हैं, जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं अपने रियोलॉजी में फ्लूड ऑफ फ्लोर के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि डिफॉर्मेशन सॉलिड वाला हमारा एक्चुअल में चक्कर क्या है सारा कुछ, और ये कैसे फ्लो करता है, यानी कि बस इसके अंदर के पार्ट्स को जो मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसको जो है फ्लो बोल दिया गया है। अब हमारी यहाँ पर टोटल चीज़ आती है प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और एक आता है हमारा टर्म स्ट्रेस, और एक हमारा टर्म आता है स्ट्रेन। तो पहले हम इन दो चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अगर हम ये दोनों समझ जाएंगे, बाकी की चीज़ें भी हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए ये मैंने डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको बताई दी, अच्छे से आप समझ गए होंगे, और ये कुछ इस तरह का आप डायग्राम यहाँ देखो। अब हम समझते हैं पहले नंबर पर स्ट्रेस। तो मैंने जैसे आपको वहाँ बताया कि ये हमारा एक सॉलिड बॉक्स है, इस पर हमने यहाँ से एक फोर्स लगाया और इसकी क्या हुई, शेप चेंज हो गई, और इसी को हम डिफॉर्मेशन बोल रहे थे। अब जो हम फोर्स यहाँ लगा रहे हैं वो फोर्स एक्चुअल में क्या है, सोचिए,
अब ऐसे आप समझो कि मतलब सिंपल आप एक नॉर्मल हंसी खुशी इंसान आप बैठे हुए आराम से खेल रहे हो, गेम वेम खेल रहे हो, अब एकदम न्यूज़ आती है कि भाई कल से आपकी क्या है एग्ज़ाम है, क्या है कल से एग्ज़ाम है, तो एक तरह से आपको क्या हुआ यहाँ मेंटली आपको एक तरह से फोर्स आपके दिमाग पर क्रिएट हुआ मेंटली, और आप उसको बोलोगे स्ट्रेस हो गया, थोड़ा सा तनाव हो गया आपके सिर पे कि भाई कल एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर एग्ज़ाम का आप में क्या है एक तरह से तनाव है, और आप में अब क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगी, मतलब आप जो हंसी खुशी एकदम गेम खेल रहे थे वो अब आपकी चीज़ बदल जाएगी, और आप क्या करोगे भाई फ़ोन को अलविदा कह के किताबों को पकड़ोगे या कहीं चैनलों को देखोगे इधर उधर कि भाई बस कैसे भी पास करा दो, कल मेरा एग्ज़ाम है कैसे भी पास करा दो। तो यहाँ पर क्या हुआ एक तरह से आप में टोटल क्या हो गई चेंजिंग हो गई। तो यही आप में क्या होगा हम कह सकते हैं कि आप क्या हो गए अभी डिफॉर्म हो गए, यानी कि आप में डिफॉर्मेशन हो गई। सेम हमारी कंडीशन यहाँ पर होती है कि जैसे मान लो कोई भी हमारा सॉलिड है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स को हम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, यानी कि एक तरह से दबाव या तनाव हमने यहाँ पर लगाया, इस वजह से क्या हुआ ये वाला जो सॉलिड बॉक्स था इसमें थोड़ा सा हमारा क्या हो गया चेंज हो गया। तो यहाँ से हमने फोर्स लगाया जिस फोर्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर स्ट्रेस बोलेंगे, यानी कि हमने एक दबाव या तनाव लगाया, और यहाँ पर जो हमारा ये चेंज हो गया मान लो ये ऐसा बॉक्स था अब ये ऐसा हो गया, इसकी हाइट कम हो गई या कुछ भी एडवाइज इसमें चेंज हो गया। तो जो इसमें चेंज हुआ है यानी कि पहले मान लो अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ ये पहले 4 सेंटीमीटर था अब ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, तो ये जो हमारा चेंज हुआ एक्चुअल में इसी चेंज को क्या बोलते हैं हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझ आ गई, पहला हमारा स्ट्रेस यानी कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सॉलिड को मूव कराने के लिए, सॉलिड को डिफॉर्म कराने के लिए, वो फोर्स हमारा स्ट्रेस कहलाता है, और जो स्ट्रेस हमने दे दिया उसको अब उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया, तो जो अब उसमें चेंज आ रहा है उसी चेंज को हम क्या बोले यहाँ पर स्ट्रेन बोल रहे हैं। तो ये दो हमारे वहाँ फंडल होते हैं कि स्ट्रेस हमारा होता है जो हम फोर्स लगा रहे हैं, और स्ट्रेन हमारा होता है जो हमारा सॉलिड वगैरह किसी में जो चेंजिंग आई है वो हमारा स्ट्रेन कहलाता है। तो ये हमारे सिंपल दो फंडे थे, इसी को मैंने यहाँ डेफिनेशन वाइज आपके सामने लिख दिया है। स्ट्रेस हमारा सिंपल हो गया कि इट इज़ अ फोर्स विच वी अप्लाइड ऑन सॉलिड टू डिफॉर्म इट, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो हम सॉलिड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसको डिफॉर्मेशन कराने के लिए, और इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब ये कैसे हमने जितना फोर्स यहाँ से अप्लाई करें वो फोर्स और कितने एरिया पे कर रहे हैं वो उसका अपोज करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया नॉर्मल डिफॉर्मेशन। अब स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया यानी कि जो चेंज हुआ एक्चुअल में वो चीज़ हमारी यहाँ पर स्ट्रेन कहलाती है। जैसे मान लो ये हमारा था यहाँ पर मैंने कंप्रेशन वाला एक फोर्स लगाया ऊपर से और इसको कंप्रेस किया, तो पहले इसकी हाइट थी एल और इसको जब एक्सटर्नल फोर्स ऊपर से लगाया गया एक स्ट्रेस लगाया गया इसकी हाइट क्या होगी थोड़ा सा ये कंप्रेस हो गया इसकी हाइट हो गई एल डेस, तो इसको हम डेल्टा एल भी बोलते हैं यानी कुछ चेंज हो गई। तो अब अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो हमारा होगा स्ट्रेंथ इक्वल टू डेल्टा एल यानी कि जितना हमारा जो कुछ चेंज हुआ वो अपॉन एल। अब अगर इसको हम एग्जांपल के बेस में समझें तो मान लो जैसे हमारा ये 4 सेंटीमीटर था अब ये 3 सेंटीमीटर हो गया तो इसमें स्ट्रेंथ कितना लगेगा 3/4 का, या हम यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा एल का मतलब होगा 1/4 का, क्योंकि डेल्टा एल का मतलब क्या है एल माइनस एल डैश, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 में से 3 का 1 सेंटीमीटर तो हमारा कितना स्ट्रेन होगा 1 सेंटीमीटर अपॉन टोटल फोर्स, यानी कि 4 में से हमारा 1 सेंटीमीटर, ये मतलब न्यूमेरिकल बेस है, आप सिंपल इतना समझो कि जो हमारा चेंज हो रहा है वो और नीचे हमारा पहले कितना था वो, ये हमारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रेन है कि जितना हमारे उसमें कोई भी चेंज हुआ वो हमारा स्ट्रेन हो गया, ये चीज़ आप समझ गए। तो अब हम दो टॉपिक यहाँ समझ चुके हैं, पहला हमारा स्ट्रेस दूसरा हमारा स्ट्रेन। अब हम समझते हैं प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वैसे दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक हमारा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इसको कुछ आप इस तरह समझो कि लेट करो कि मेरे पास एक सॉलिड का बॉक्स था मैंने ये बना लिया यहाँ पर, या कुछ भी चीज़ थी मान लो मैं इसको कंप्रेस करा रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया अब क्या हो गया इसकी हाइट थोड़ी कम हो गई, ये हमारा क्या हो गया इस तरह का हो गया। अब क्या हुआ मेरा फोर्स तो अभी लगा हुआ है क्योंकि मैंने हटाया तो नहीं, ये इसकी हाइट कम हो गई। अब मैं अगर इस वाला फोर्स जो मैं ऊपर से इस पर लगा रहा था अगर मैं इस फोर्स को कंप्रेसर को ऊपर से दबाना बंद कर दूँ हटाना बंद कर दूँ तो अगर ये हमारा वापस इसी वाली कंडीशन में आ जाता है, यानी कि जैसे पहले जितना था, जैसे आप गद्दे वगैरह देखते हो स्पंजी चीज़ देखते हो तो इनको अगर प्रेस करोगे तो प्रेस रहेंगे दबे रहेंगे, जैसे आप वहाँ से हट जाओगे वो दोबारा अपनी उसी वाली कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये वाले जो हमारे डिफॉर्मेशन होते हैं वो हमारे कहलाते हैं रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन, या हम यहाँ बोल सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पर सिंपल था कि हमने फोर्स जब तक हम अप्लाई कर रहे हैं तब तक तो उनके बॉडी में डिफॉर्मेशन है, उनकी शेप में कुछ ना कुछ चेंज है स्ट्रेन है, लेकिन जैसे ही हमने वो फोर्स और स्ट्रेस अपना हटाया वो अपनी वापस उसी वाली कंडीशन में आ गया। तो ये हमारा सिंपल क्या कहलाता है यहाँ पर स्ट्रेस। दूसरी हमारी कंडीशन क्या है कि मान लो यहाँ पर हमारा कोई गद्दा या ऐसी चीज ना हो गई, कोई हमारी प्लास्टिक की चीज हो गई या कुछ और भी हमारा कुछ ऐसा हो गया केक कुछ मतलब और सॉलिड हो गया, इसको हमने यहाँ प्रेस किया और वो क्या हो गया यहाँ पर हमारा इतना हाइट उसकी कम हो गई। अब जब हम इससे ये फोर्स हटा लेंगे तब भी वो हमारा क्या रहेगा इतना का इतना ही रहेगा। जैसे मैं सिंपल आपको बताऊं कोई लोहे की रॉड लो, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है लोहे की रॉड है हमने इसको बेंड कराया यहाँ से फोर्स लगा के, तो अब क्या हो जाएगा वो हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा,
ठीक है। अब ये चीज़ है कि अब हम यहाँ से फोर्स हटा देंगे तो लोहे की रॉड है भाई, वो एक बार चेंज करके वापस तो इस कंडीशन में आएगी नहीं सीधी, तो ये वाला जो चेंज होगा ये हमारा कहलाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक तरह से। यानी कि यहाँ पर क्या होगी कि अब हमारी जो चेंज एक बार सेफ हो गई वो हो गई, वो क्या होगी परमानेंट। इलास्टिक में मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने रबड़ देखी होगी, रबड़ को आप लोग क्या करते हो, खींचते हो, बहुत खींचते हो। मान लो इतनी आपने यहाँ पर स्ट्रेस लगाया यहाँ से और ये हमारी रबड़ को इस तरह हो गई इतनी। लेकिन अब अगर ज़्यादा इसमें ना एक लिमिटेशन होती है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये हमारी टूट भी जाती है, आपने देखा होगा। तो मान लो इतनी, अब अगर आप यहां से जो स्ट्रेस आपने लगाया वो अगर आप हटा लोगे तो ये फिर से हमारी क्या हो जाएगी, इस तरह की हमारी वापस रबड़ अपनी प्रॉपर्टी गेन कर लेगी। तो ये दो फंडे दो थे, ये हमारे कहलाते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक। अब यहां पर आप देखो तो ये मैंने डेफिनेशन यहां लिख रखी है और ये नोट्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या हमारी अब यूनिट कंप्लीट हो गई तो मैं ट्राई करूंगा कल कंप्लीट यूनिट के नोट्स वेबसाइट पर अपलोड कर दूं। सॉरी थोड़ा लेट हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, लग रहता है काम वगैरह। अब यहां पर आपको देखो ये मैंने किया, यहां चेंज हो गया। अब जैसे ही हमने ये स्ट्रेस यहां पर जो हम खींच रहे हैं इस रबड़ को इस तरह, जैसे ही हम ये रबड़ खींचना बंद करेंगे ये अपनी वापस ऐसी हो गई, हमने जैसे ही खींचना बंद किया ये अपनी वापस इस कंडीशन में आ गई, ये हमारा यहां पर सिंपल हो गया डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक में जैसे मान लो ये एक हमारा कोई भी लोहे का या प्लास्टिक का कुछ भी था, हमने यहाँ फोर्स लगाया एक्स्ट्रा और ये हमारा क्या हो गया, टूट गया। टूटने के बाद क्या हो जाएगा, अब ये डिफॉर्मेशन हो गई। अब अगर हम ये फोर्स हटा लें तो क्या वापस जुड़ जाएंगी, नहीं जुड़ेगी ना। मैं अगर इस पेन को एक बार तोड़ दूँ तो टूटने के बाद क्या अब ये वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी अपने आप, नहीं आएगी। तो ये हमारी क्या हो जाते हैं प्लास्टिक, यानी कि ये हमारे होते हैं इरिवर्सिबल वाले। रिवर्सिबल में एक जो हमारी कंडीशन और होती है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इसको एक्सिस में तोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या होता है। एक्चुअल मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा अंदर का टर्म क्या होता है यहाँ पर, कि इनके अंदर हमारे जो इंटरनल इनके फोर्स होते हैं, यानी कि जो इनके अंदर के फोर्स जो अटैच होते हैं एक दूसरे से, वो क्या होते हैं इलास्टिक में हमारे एकदम खतरनाक तरीके से ऐसे जुड़े होते हैं, एकदम मान लो इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब हम इनको खींचते हैं तो ये थोड़ा सा बेंड कर जाते हैं इधर उधर, इसीलिए हमारी रबड़ होती है। लेकिन अगर हम इसको एक्स्ट्रा खींच देंगे, मतलब जो इनका फोर्स है इस फोर्स से ज्यादा हम जो एक्सटर्नल वाला लगा देंगे, तो इसका जो बॉन्ड टूट जाएगा और ये हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यही हमारा सिंपल फंडा यहां पर काम करता है, अगर हमारा फोर्स इस इंट्रा वाले से ज्यादा होगा तो हमारी ये चीज टूट जाएगी, और अगर कम होगा तो केवल थोड़ी सी घूमे फिरेगी लेकिन वापस उसी कंडीशन में आ जाती है। ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम यहां पर जो अपने तीन चार कंडीशन समझ चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन समझ लिए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन समझ लिए, स्ट्रेस समझ लिए, स्ट्रेन। हमारे दो टॉपिक रहे हैं इलास्टिक मॉड्यूलस और दूसरा हमारा है हैकल इक्वेशन। तो हैकल इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले हम यहाँ समझते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल ये देखो कि हमने एक चीज़ देखी थी कि मान लो कोई हमारा सॉलिड है और इसके ऊपर हमने क्या लगाया, यहाँ से स्ट्रेस लगाया, और स्ट्रेस लगा के इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा जिसको हम स्ट्रेन बोल रहे थे, सिंपल है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमारी, ये इसकी का रेशियो समझो कि हम कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं और हमको कितना स्ट्रेन मिल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, अगर मैं बोलूँ मैंने 5 न्यूटन, बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने मान लो इतना इस छोटे से बॉक्स में मैंने वो लगाया फोर्स लगाया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस बॉक्स का एरिया थोड़ा कम हो गया। पहले मान लो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था, एक स्क्वायर है, और यहाँ पे अब क्या हो गया, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं इसका मुझे इलास्टिक मॉड्यूल निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने कितना फोर्स लगाया वो, यानी कि स्ट्रेस, अपॉन मेरा कितना चेंज हुआ है ये वाला सब्सटेंस में, मटेरियल में कितना, तो वो हो जाएगा स्ट्रेन। यानी कि अगर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं तो इलास्टिक मॉड्यूलस इज इक्वल टू द कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यानी कि अगर हम सिंपल बोलते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इलास्टिक मॉड्यूलस जो हमारा होता है वो डिटरमाइन करता है कि हमको कितना अमाउंट फोर्स चाहिए किसी भी कब सब्सटेंस में ये यूनिट चेंज करने के लिए, सिंपल बात है। तो आप लोग यहाँ, आई होप आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके बाद हमको कितना स्ट्रेन मिला। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को अगर हम मिला के रख दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक मॉड्यूलस। अब ये काम किस चीज़ में आता है, आपने ये सोच लिया चलो ये तो समझ गए हमारा रेशियो है स्ट्रेस अपन स्ट्रेन का, काम किस चीज़ में आता है, चलिए इस तरह ऐसे देखते हैं। मान लो एक हमारी ये लोहे की रॉड है, इसमें मैंने फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाया, ये हमारी कुछ इस तरह बेंड हो गई और डिफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस तरह समझो कि जैसे मान लो हमारा क्या है, स्ट्रेन नीचे है और स्ट्रेस क्या है हमारा ऊपर है, ये समझो इलास्टिक मॉड्यूलस इज इक्वल टू ये हमारा क्या है स्ट्रेस और ये हमारा क्या है स्ट्रेन। तो अब अगर मैं इनको वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में रखूं तो ई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा स्ट्रेस, और ई एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा स्ट्रेन, क्योंकि जो हमारी अपॉन में चीज होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इन्वर्सली डायरेक्टली मतलब क्या है कि अब अगर क्या होगा कि यहाँ पर इलास्टिक मॉड्यूलस बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो इलास्टिक मॉड्यूलस बढ़ेगा, यहाँ पर इलास्टिक मॉड्यूलस बढ़ेगा तो हमारा स्ट्रेन कम होगा, और अगर हमारा स्ट्रेन मॉड्यूलस हमारा बढ़ेगा तो हमारा इलास्टिक मॉड्यूलस कम होगा। ये हम यहाँ समझ गए।
अब हम एक इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। अब हमने ये देखा कि ईएम हमारा, ये हम कॉम्बिनेशन समझ गए। अब लेट करो मैं आपसे कोई कहता है कि एक हमारा ए सॉलिड है, एक हमारा बी सॉलिड है। अब आपसे कहा जाए कि जो हमारा इलास्टिक मॉड्यूलस है वो हमारा ए का थोड़ा ज्यादा है बी के अपेक्षा, तो आप यहाँ पर इजिली बता सकते हो कि अगर ए का हमारा इलास्टिक मॉड्यूलस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ए का ज्यादा होगा यहाँ पर हमारा कब ज्यादा होता है, हमारा स्ट्रेस क्या होता है हमारा ज्यादा होता है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि हमारा ए में क्या है, स्ट्रेस हमारा ज्यादा अप्लाई किया गया, और बी में हमारा क्या है, स्ट्रेस थोड़ा सा कम अप्लाई किया गया। ये हमारा सिंपल। दूसरी चीज स्ट्रेन की बात करते हैं, तो जिसमें हमारा इलास्टिक मॉड्यूलस ज्यादा होता है उसमें हमारा स्ट्रेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो यहां पर जो हमारा ए में स्ट्रेस ज्यादा है तो यहां पर हमारा जो स्ट्रेन है वो हमारा हो जाएगा कम, और यहां पर हमारा स्ट्रेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहां पर हम सिंपल कह सकते हैं कि जो हमारा ए वाला है इसमें जो डिफॉर्मेशन हुई होगी वो हमारी थोड़ी सी कम हुई होगी हमारे बी के मुकाबले, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल, हम इस तरह से इलास्टिक मॉड्यूलस की मदद से निकाल सकते हैं कि किसमें क्या ज्यादा फंडा होता है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का वो हमारा आता है यहाँ पर हैकल इक्वेशन के बारे में, हम यहाँ समझते हैं। तो हैकल इक्वेशन को कुछ इस तरह समझो, अब आप लोगों ने सभी ने एक एग्जाम्पल मतलब एक चीज जरूर देखी होगी, लेट करो कि ये आपने कंटेनर लिया और पाउडर या फिर आटा या फिर कभी बालू या मिट्टी वगैरह कुछ भी आपने ली होगी, तो उसको आप कुछ इस तरह यहाँ पर भरते हो मान लो। उसके बाद मान लो ये पूरा हमारा भर गया इतना, ठीक है, पूरा आपने यहाँ सारे भर दिया पूरा मिट्टी से या किसमें। अब आपको अगर इसमें जगह बनानी, बोरी भी कभी आपने भरी होगी तो अब आपको इसमें जगह बनानी, तो आप क्या करोगे इसको थोड़ा सा ठोंक देते हो ऐसे ऊपर उठा उठा के, तो क्या हो जाता है इसमें एक कंप्रेशन वाली चीज़ हो जाती है हमारी। तो यहाँ से ऊपर से हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से कंप्रेशन वाला एक फोर्स लग जाता है। अब उस कंप्रेशन फोर्स की वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा कि अब जो हमारा ये पूरा यहाँ तक भर गया था, अब ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी खाली हो जाएगी, मे बी इतनी, या हो सकता है अगर ज़्यादा बीच में एड थी तो हमारी इतनी हो जाएगी। तो अब आपने देखा कि जो चीज़ हमारी पहले से पूरी भर गई थी अब उसमें इतना इतना गैप देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न हमारी होती है पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या चीज़ होती है, जैसे ये हमारा पूरे की या पाउडर ले लेते हैं हमें, तो भाई टैबलेट वगैरह बनानी है, तो जो पाउडर्स हैं इनके बीच में क्या होती है, हल्के हल्के एयर के बबल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइड्स बोलते हैं। बॉइड्स मतलब होता है होल, या हम बोल सकते हैं उसको पोर्स यानी कि छेद। तो ये जो पोर्स और बॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जब हम इसको ऊपर से कंप्रेस करते हैं तो ये एयर के बबल्स हमारे निकलने लगते हैं ऊपर, पूरे बाहर चले जाते हैं और हमारा जो पाउडर है वो हमारा और ज़्यादा ठोस होने लगता है, और धीरे धीरे हम इसको एक और बार ऐसे ठोंकेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ठोस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम टैबलेट बनाते हैं, आपने टैबलेट देखी होगी, तो वो पाउडर फॉर्म, पाउडर का ही एक रूप होती है, लेकिन क्या होती है पाउडर को मोल्ड्स वगैरह में इस तरह पूरे खांचे वगैरह में बना बना के उसको कंप्रेस कर करके तब एक टैबलेट का रूप लिया जाता है। तो यहां पर आप एक चीज समझ गए कि हम किसी पाउडर की पोरोसिटी जो निकाल रहे हैं वो चीज हमारा जो फंडा है वो हमारा यहां हैकल इक्वेशन में आता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और बताता हूं मैं आपको, डेफिनेशन अगर बेस पे देखें तो ये हमारी आती है डेफिनेशन बेस पे कि इस्टीमेटिंग द वॉल्यूम रिडक्शन अंडर द कंप्रेशन प्रेशर इन फार्मेसी। तो सिंपल आप ये समझो कि जैसे मान लो ये हमारा कोई पाउडर था और अभी इसका वॉल्यूम क्या है, इतना है। अब मैंने क्या कि यहाँ ऊपर से इसको कंप्रेस किया, ऊपर से कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने की वजह से क्या हुआ कि अब इसका जो वॉल्यूम वो हमारा कितना रह गया, इतना रह गया, सिंपल बात है। तो वॉल्यूम तो कम हुआ है, तो बस यहाँ पर यही है कि ये हमारी ये चीज़ बताती है कि हमने ऊपर से कितना कंप्रेशन लगाया, यानी कि कितना ऊपर से प्रेशर लगाया, दबाव लगाया, और उसके बाद हमारा ये कितना कंप्रेस हो गया। और ये जो हमारा रिलेशन है यही हमारा इसमें काम आता है हैकल इक्वेशन में। और ये हमारा काम किस किस में आता है, जैसे हमारी पोरोसिटी निकाली उसमें काम आता है, टैबलेट जब हम बनाएंगे तो हमको कितने किसकी कितनी पोरोसिटी उसी के हिसाब से उनको कितना कंप्रेस करना है, ये सारी चीजें हमारी इस चीज में काम आती है, और इसे हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। तो आई होप आप लोग ये हमारा सिंपल समझ गए होंगे। अब ये हमारा जो काम करता है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पे काम करता है। इस फंडे को आप सिंपल इस तरह समझो जैसे मान लो कोई हमारा कोई भी रिएक्शन हो कुछ भी हो, तो मान लो एक हमारा रिएक्टेंट है ए और इसका जो प्रोडक्ट मिला वो हमको मिल रहा है बी मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर हम ए की संख्या बढ़ा देते हैं किसी तरह रिएक्टेंट, तो जो हमारा बी होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि अगर हम रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वही फंडा यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो इन्होंने ले लिया, जो हमारे ये होल्स है ना पोर्स ये चीज, और जो डेंसिफिकेशन है यानी कि जो हमारा डेंसिफिकेशन मतलब होता है किसी भी जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी मतलब एकदम बढ़ा देना और उसको थोड़ा सा हार्ड कर देना, यानी कि उसके बीच के जो हमारे एयर वगैरह हैं उन सबको निकाल देना। तो यहाँ सिंपल है कि अगर किसी में ज़्यादा पोर्स होंगे तो उसको हमें कंप्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, और कंप्रेशन जितना ज़्यादा करेंगे वो हमारा कंपाउंड उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेंसिटी उसकी हाई हो जाएगी और वो उतना ज़्यादा हार्डर हो जाएगा, और हमको जो टैबलेट वगैरह होती है वो हमको थोड़ी सी हार्ड चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो हमारे ये इसमें थोड़ा सा काम आता है। ये इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर लॉग वन अपॉन वन माइनस डी इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू ए। तो डी हमारा होता है रिलेटिव डेंसिटी जो हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं उसकी,
पी हमारा प्रेशर है यानी कि कितना हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, के हमारा कांस्टेंट होता है उस पाउडर के लिए यानी कि जो हमने पर्टिकुलर मटेरियल लिया उसके लिए, और ए हमारा कांस्टेंट होता है यानी कि जो हम मशीन्स क्या यूज़ कर रहे हैं, मोल्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है हैकल इक्वेशन का, और ये पोरोसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला है कि इज इक्वल टू वी पी माइनस वी अपॉन वी पी। तो जो वी पी है वो हमारा वॉल्यूम है यानी कि जब हमने कोई कंटेंट में मटेरियल लिया तो ये है ऐसा, तो ये हमारा इसका जो वॉल्यूम है वो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। देन हमारा दूसरा आता है यहाँ पर वी सिर्फ, तो वो हमारा वॉल्यूम ऑफ थियोरेटिकली जीरो पैरासिटी यानी कि अब हमने यहाँ से जितने पोर्स थे वो हमने निकाल दिए, सारा हमारा खाली होगा, हमारी इसकी पोरोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई है। तो इस कंडीशन पे हमारी ये वाली कितनी वॉल्यूम होगी, तो ये दोनों जो वॉल्यूम होगी वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और उसी के रेशियो से हमारे यहाँ पोरोसिटी हमको देखने को मिल जाती है। सिंपल फंडा है कि मान लो यहाँ पर 50 थे और यहाँ पर हमको मिले कितने 28, वो 50 थे यहाँ हमको 25 मिले, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा 25 माइनस हो गया है तो उसी तरह से हम यहाँ पोरोसिटी का निकाल रहे हैं। बात करें यहाँ पर तो हमारा पोरोसिटी बनाने में चेक करने में काम था, पाउडर की जो मिक्सिंग करते हैं उसमें काम आता है, पाउडर बनाने में, टैबलेट बनाने में, सारी चीज़ों में हमारा हेल्प करता है। अब इसी का होता है हैकल प्लॉट, इसी का यूज़ करते हैं जो कुछ भी हमें कंप्रेशन कुछ भी देखना होता है तो वो हैकल प्लॉट का यूज़ करते हैं। ये जो प्लॉट्स हमारे ग्राफ बनते हैं, हमारे बनते हैं डेंसिटी अपॉन अप्लाइड यानी कि यहाँ पर हमारा प्रेशर अप्लाइड है और इधर हमारी डेंसिटी है। अब ये हमारे बेसिकली तीन तरह के मटेरियल के लिए हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो इतना ज़्यादा हमको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, मैंने यहाँ ग्राफ बना दिए हैं, इसलिए बना दिए कि अगर कभी एग्जाम में आ भी जाता है लॉन्ग में तो अगर आपकी नज़र में ये रहेंगे ना तो आप सिर्फ जो ग्राफ होंगे उसको आप ड्रॉ कर सकते हो और आपको उसी के जो है नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारे ग्राफ है ये अफेक्ट किस पे करता है, टाइम ऑफ कंप्रेशन कितना टाइम लग रहा है, डिग्री ऑफ ल्यूब्रिकेशन कितना क्या चेंज हो रहा है, और जो हमारे डाई है जानकी जिनका यूज करके हम कंप्रेस कर रहे हैं वो हमारे क्या है। तो ये सारे फंडे हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको इसमें कोई भी डाउट्स है कुछ भी है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। आज हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई है और जो इसके नोट्स होंगे वो मैं कल कंप्लीट आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसका प्रयोग प्रॉपर मिल सके। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, आपसे लो अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।